हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल के एक नए लेटेस्ट और फ्रेश वीडियो में। तो आज जो हम गाना करने जा रहे हैं वो थ्री इडियट मूवी से है। बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, आपने बिल्कुल सुना होगा। और हाँ, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो नया नया एक बिल्कुल ही बिगिनर है, ठीक है। और क्या होता है कि शुरू में लोग क्या करते हैं कि गिटार सीखना स्टार्ट करते हैं, एक हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा करके क्या होता है कि उनका मन हटने लगता है, क्योंकि शुरू शुरू में आदमी नहीं कर पाता है, थोड़ा प्रॉब्लम आता है करने में। तो होता है कि आदमी का मन हटने लगता है इसे, ठीक है। तो उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप क्या करें कि पहले, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही सही सही पूरा गाना करें, पहले आप कोई भी गाना प्ले करें, ठीक है। प्ले करने के बाद क्या होता है कि आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट इसमें आने लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो अभी बिल्कुल ही बिगनर है, ठीक है। और इंटरमीडिएट वाले के लिए भी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको परफॉर्म करना पड़ जाता है। इनफैक्ट मेरे केस में क्या होता है कि अभी नहीं, जब शुरू शुरू में जब गिटार सीखता था मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था उसका, लेकिन कॉर्ड्स वॉर्ड्स मुझे पकड़ने आते थे। तो क्या होता था कि घर पे कोई रिलेटिव आए तो क्या कह रहे कि थोड़ा बजा के दिखाओ बेटा। तो अब तो शुरू शुरू में, अब तो क्या है कि मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और उस समय क्या होता है कि डर भी बना रहता है कि अरे भाई कुछ गलत बजा दिए और वो उनको पसंद नहीं आया, तो फिर सब जगह जाके बोलेंगे या फिर ऐसे वैसे। तो उस केस में क्या है कि हम क्या करेंगे कि कुछ गाने लेंगे जो कि बहुत सिंपल कॉर्ड्स पे बजाएंगे, ठीक है। पूरा गाना हम ओरिजिनल कॉर्ड्स नहीं यूज करेंगे, उसको सिंपल कर देंगे ताकि आप बजा सकें। तो आज का लेसन शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, जिससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है ना आपको ना हमको। तो आप भी वीडियो पूरा देखें। तो चलिए शुरू। गाने में हम सिर्फ दो कॉर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। वो इसलिए करेंगे क्योंकि वो इतने इजी कॉर्ड होंगे कि अगर आप एक हफ्ता पहले भी अगर गिटार लेके आए हो तो वो आप अच्छे से गाना बजा सकते हो। हम केपो का यूज़ करेंगे। केपो, ये केपो आपको इजीली सब जगह मिल जाएगा, आपको पता होगा शायद, गिटार के दुकान पे मिल सकता है या फिर आप ऑनलाइन ही मंगा सकते हो। तो केपो को हम फोर्थ गिटार के फोर्थ फ्रेट पे लगाएंगे। तो फ्रेट क्या होता है, फ्रेट आपको पता होगा नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। फ्रेट क्या होता है कि ये आप गिटार देखोगे, यहाँ पे गिटार के नेक पे सेक्शंस बटे हुए रहते हैं, तो ऊपर से काउंट करेंगे। ये पहला सेक्शन, ये पूरा सेक्शन फ्रेट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, ऐसे काउंट कर करके नीचे तक आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, केपो को फोर्थ फ्रेट पे लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, केपो लगाने के बाद हम सिर्फ दो कॉर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। ई मेजर और ए मेजर, ई मेजर ए मेजर। ये ऐसा कॉर्ड है कि इसमें बहुत सारे गाने बजते हैं, ठीक है। और आने वाले वीडियो में आपको मैं और भी बताने वाला हूँ। तो ई मेजर कैसे पकड़ते हैं ये आप देख लें, आपको दिख रहा होगा शायद। ये पहला पहला फिंगर, थर्ड स्ट्रिंग, फर्स्ट फ्रेट। अब फर्स्ट फ्रेट ये नहीं होगा, यहाँ से केपो लगाएंगे तो यहाँ से फर्स्ट फ्रेट काउंट होगा, 1 2 3 4, मतलब फिफ्थ फ्रेट अब आपका फर्स्ट फ्रेट बन गया, ठीक है। तो पहला फर्स्ट फिंगर से थर्ड स्ट्रिंग पकड़ेंगे फर्स्ट फ्रेट पे, मतलब फिफ्थ फ्रेट पे, फर्स्ट फ्रेट पे पकड़ेंगे, ठीक है। थर्ड स्ट्रिंग पहले फिंगर से, फिर क्या करेंगे, सेकंड फिंगर से फिफ्थ स्ट्रिंग पकड़ेंगे सेकंड फ्रेट पे, सेकंड फिंगर, सेकंड फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग, थर्ड फिंगर, सेकंड फ्रेट और फोर्थ स्ट्रिंग, ऐसा आपको दिख रहा होगा शायद, ऐसे पकड़ेंगे। ये हो गया ई मेजर, ठीक है। और अब क्या करेंगे, सेकंड कॉर्ड है ए मेजर। तो ए मेजर करने के लिए क्या है, ये जो फर्स्ट फिंगर है इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। और ये जो दो कॉर्ड, ये जो दो उंगलियां हैं, एक एक स्टेप नीचे डाउन करेंगे, ठीक है। तो अब जैसा है वैसा ही करेंगे, सिर्फ एक एक स्टेप नीचे कर देंगे, ठीक है। एक एक स्टेप नीचे आ गया ये, मतलब ये जो सेकंड फिंगर है, सेकंड से ये जो सेकंड फिंगर है उसको फोर्थ स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट पे लगाएंगे, और ये जो थर्ड फिंगर है इसको थर्ड स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट पे लगाएंगे, ठीक है। और ये जो पिंकी फिंगर सबसे लास्ट वाली है, फोर्थ फिंगर, उसको लगा देंगे हम सेकंड स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट पे, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3, मतलब इसको ऐसे करके नीचे से एक स्ट्रिंग छोड़ के सेकंड फ्रेट पे रख देंगे, ठीक है।
ये हो जाएगा ए मेजर। कॉर्ड्स हो गए, कॉर्ड्स के बाद अब स्ट्रमिंग। तो स्ट्रमिंग का क्या है कि अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं, मतलब इसी महीने आपने स्टार्ट किया गिटार सीखना, तो आप क्या करें कि ज़्यादा लोड ना लें, ठीक है? एक नॉर्मल सा प्रैक्टिस है, डाउन अप करते रहें, उससे हो जाएगा। लेकिन इस गाने में आपको क्या यूज़ करना है, सिर्फ डाउन डाउन यूज़ करना है, ठीक है? डाउन डाउन, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन वो आप करते करते तो हो जाएगा, ठीक है? और अगर आप इंटरमीडिएट हैं, अगर आपको ये करने आ रहा है, स्ट्रमिंग कर लेते हैं आप, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डाउन डाउन अप 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 डाउन, 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 ठीक है? डाउन डाउन अप 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 डाउन, डाउन डाउन अप 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 डाउन। तो ये हो गया स्ट्रमिंग पैटर्न। अब गाने के साथ मैं आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन बता रहा हूँ, ठीक है? तो जो गाने का इंट्रो है, उसमें पहले ई मेजर से स्टार्ट करेंगे और ए मेजर। तो इसमें क्या है ना कि स्ट्रमिंग पैटर्न हाफ हाफ है, मैं आपको फुल स्ट्रमिंग करके बता रहा हूँ, आप सिर्फ डाउन डाउन करके ही बजाना, ठीक है? अगर आप बिगिनर है तो गाने का स्टार्टिंग ऐसे है, ई मेजर टू ए मेजर हाफ स्ट्रमिंग होगा, डाउन डाउन ई मेजर पे और अप 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 डाउन ए मेजर पे, ठीक है? आपको याद रखना है, हाफ स्ट्रमिंग होगा, आधा ई मेजर पे आधा ए मेजर पे, तो गाना स्टार्ट होगा। गाने का इंट्रो बजता है, इंट्रो के बाद गाना स्टार्ट होता है, ठीक है? तो उसमें भी सेम प्रोग्रेशन रहेगा, ई मेजर ए मेजर ई मेजर ए मेजर, हाफ हाफ स्ट्रमिंग दोनों पे होगा, डाउन 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 ई मेजर पे होगा और अप 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 डाउन होगा ए मेजर पे। तो चलिए गाने के साथ शुरू करते हैं। पूरे गाने में सेम ऐसे ही चलेगा, ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं, आप बस यही दो कॉर्ड पे, सेम पैटर्न पे दो कॉर्ड्स बजाइए, पूरा गाना खत्म हो जाएगा। सामने वाले को सुनाइए, जो सामने आपका सुनेगा उसको बहुत अच्छा लगेगा और आप में भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ताकि आपको लगे कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। तो गाने के साथ शुरू करते हैं। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। आगे का सारा गाना सेम ऐसे ही पैटर्न पे चलेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगी, ठीक है? लेकिन एक बात और याद रखिए, ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है? ये ओरिजिनल कॉर्ड्स नहीं है इस गाने के। तो आप क्या करें, पहले प्रैक्टिस करें, अगर आपको अच्छे से आने लगे तो फिर क्या करें कि आप दूसरे कॉर्ड्स बजाना स्टार्ट करें। और मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका ओरिजिनल कॉर्ड्स का वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें, मैं बनाऊंगा वीडियो आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर कोई आपका सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।